शुरुआत करते हैं उम्मीदों से भरे एक नए सफर की, जुनून से भरी नई कोशिशों की। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हम मिलकर बदलते हैं सपनों को हकीकत में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का, जो भारत के एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने वेद, पुराण, धर्म शास्त्र, परम सत्य और हिंदुत्व का ज्ञान अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरे विश्व में फैलाया था। इसकी शुरुआत हुई थी 11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां उन्होंने वेद, गीता, धर्म, हिंदुत्व और भारत की महानता को लेकर एक ऐसी ऐतिहासिक स्पीच दी जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मगर वर्ल्ड लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये स्पीच इंग्लिश में दी थी। ऐसे में देश के कोने कोने तक उनके ज्ञान को पहुंचाने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी पर आज हम उनकी शिकागो की स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आए हैं, और हमें यकीन है कि ये ऐतिहासिक स्पीच आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़कर खंडहर बना दिया था, और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। मैं इस मौके पर एक श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह से मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनते हैं। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वो अपने आप में गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं, ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ कर रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुईं और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का विगुल सभी तरह की कट्टरता, हठ धर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। आप सभी को यह अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसे हो सकती है ना? किताब तो शुरू होगी और अंत भी होगी, लेकिन वेदों का मतलब किताब से नहीं है। वेदों का मतलब अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना है,
जैसे ग्रेविटेशन रूल हमें पता लगाने से पहले भी काम करता था, और अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वो अपना काम करता ही रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं तो कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, कुछ लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते हैं, कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती हैं, तो कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दुख में कट जाती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोग उत्पन्न किए हैं, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, आपने भी सुना होगा, है ना। इसीलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वो कारण है उसके पिछले जन्म के कर्म। और वेद हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगा रहे। इस लोक या परलोक में पुरस्कार की आशा रखना, ईश्वर से प्रेम करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। भगवान से केवल यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना संतति, ना ही विधियां, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं और केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। श्री कृष्ण के शिष्य युधिष्ठिर एक समय सम्राट थे, लेकिन उनके शत्रु यानी कौरवों ने उन्हें सिंहासन से निकाल दिया था और उनकी पत्नी और भाइयों के साथ उन्हें हिमालय के जंगलों में रहना पड़ा था। और वहां पर उनकी पत्नी द्रौपदी ने उनसे पूछा कि महाराज, आप तो इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं, मनुष्यों में सर्वोपरि पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है? और तभी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महारानी, देखो ये हिमालय कितना भव्य और सुंदर है, मैं इससे बहुत ही प्रेम करता हूं। ये हिमालय मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता हूं, और इसी कारण मैं इस हिमालय से प्रेम करता हूं। प्रेम करना मेरा स्वभाव है और मैं इसीलिए ईश्वर से प्रेम करता हूं। मैं किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता, उसकी जहां इच्छा हो मुझे रखे, मैं सभी अवस्थाओं में केवल प्रेम करूंगा और मैं प्रेम से कोई सौदा नहीं कर सकता। यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है और ना एक देवास से इस स्थिति की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों ना दे दें, उसकी सुगंध वैसी ही रहेगी, केवल नाम से व्याख्या नहीं की जा सकती। और बचपन की मुझे एक बात यहां पर याद आती है कि एक ही साईं मनुष्यों की भीड़ में खड़ा होकर अपने धर्म का उपदेश दे रहा था, और बातों ही बातों में वो हिंदुओं से कह गया कि अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वो मेरा क्या कर सकती है। तभी वहां पर खड़े हुए एक शख्स ने उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दूं तो वो मेरा क्या कर सकता है। तभी उस साईं ने कहा कि वो मरने के बाद तुम्हें सजा देगा। तभी वो हिंदू तनकर बोल उठा कि ठीक उसी तरीके से जब तुम मारोगे तो हमारी देव मूर्ति तुम्हें भी कठोर दंड देगी। और यहां पर मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता तो उससे भी बढ़कर है। और एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है, बल्कि वो अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक उपाय है। अवश्य ही हिंदुओं में भी कई सारे दोष हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उनके दोष अपने ही शरीर को उत्पीड़ित करने तक सीमित है। वो कभी भी अपने पड़ोसियों का गला काटना नहीं चाहते। एक हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, लेकिन वो विधर्मियों को जलाने के लिए कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। आखिर में मेरा बस यही कहना है कि इस
धर्म महासभा में दुनिया के सामने अगर कुछ प्रदर्शित किया है तो वो ये है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है और हर धर्म ने श्रेष्ठ लोगों को जन्म दिया। इन सभी सबूतों के बावजूद अगर कोई ये चाहता है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएं, सिर्फ उसी का धर्म बचे, तो मैं उसे स्पष्ट शब्दों में ये कह देता हूं कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद हर धर्म की पताका पर बस ये लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसार करो, विनाश नहीं, शांति रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए अब हम स्वामी विवेकानंद जी की उस विचारधारा की बात करते हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन का कल्याण की। वो कहते थे, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं, यही सफलता का रास्ता। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वो एक सत्य ही होगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप किस महान व्यक्ति की स्पीच हिंदी में सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच हिंदी में सुनते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।